भाइयो ये है मोदी, इसको बहुत मस्ती है, इसकी गांड में उंगली करो। आज मैं लपेटूंगा धेय बनाने वालों को, आ जाओ फिर लपेट के आते हैं। में देयर आर टू टाइप्स ऑफ धेय बनाने वाले, एक वो जिनका पूरा साल का यही होता है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है इन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें अपनी बॉडी बनानी है तो बनानी है, हैशटैग हम बस अपनी बॉडी बनाएं दुनिया चाहे गांड मराए, ये अच्छी नस्ल है। अब आते हैं दूसरी नस्ल पे, जिसने पूरा साल कुछ नहीं करना, बस खाओ पीवो सोवो, ये या तो अपनी जिंदगी से तंग आके बराबर वाले की बहस में या यूट्यूब पे मोटिवेशन वाली वीडियो की वजह से जो गांड में गुदगुदी होती है उसकी वजह से, या फिर सर्दियां आते ही, क्योंकि भाई यहाँ पर ना सर्दियों का ऐसे ही पता लगता है। इन कुछ खास वजहों की वजह से ये जिम में दाखिला ले लेते हैं और एडमिशन लेते ही सारा सामान लेने पहुंच जाएंगे, ट्रैक सूट, शूज, शेकर, ग्लव, वाटर बोतल, बैग, जैसे ये सारा सामान होने से ना पहले दिन ही आयरलैंड बन के निकलेगा बाहर ओसड़ी का। और जिम जाते हुए ना एक से दो दिन होंगे नहीं कि भाई स्टेटस में ज्ञान चोड़ना शुरू के नो पेन नो गेन, पेन इज गेन, नेवर गिव अप, गपा गप, लवड़ा लहसुन अदरक प्याज गुब्बारे, और इंस्टा पे अपनी पसलियों की तस्वीरें लगा के स्टोरी में लिखेंगे कि भाई सिक्स पैक एब्स कमिंग सून, और आज मैंने इतना वेट उठाया या उतना वेट उठाया। भाई मैं सच बताऊं, सच सच बताऊं, इन सब बकचोदियों से ना हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तूने कितना वेट उठाया और कितना नहीं। फिर नेक्स्ट लेवल की जो इनकी हरकतें होती है ना वो ये कि भाई जिम के दूसरे दिन ही ना इनके हाथ बंद होना ही बंद हो जाते हैं, जैसे किसी ने ना बगलों में ईंटें फंसा दी हों, और फिर भाई खुद ही बिला वजह किसी ने पूछा भी नहीं होगा सीने पर बार बार हाथ लगा लगा के, भाई जानी यार देख फर्क तो पड़ रहा है ना, फर्क तो पड़ रहा है उस्ताद, कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ साले, मैंने कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ अबे गांडू से फर्क नहीं, से सूजन कहते हैं, तुझे याद होगा जब तू घेरा बनवा के गांड मरवाता था ना जब आती थी ना, ये वही है, बस इस बार नीचे की जगह ऊपर आई है। इसके बाद वाली बकचोदी पता क्या होती है कि भाई मैं जिम इसलिए लगा था क्योंकि मेरा ना अगली गली वाले माजिद के साथ ना पंगा चल रहा है, तो अब तेरा भाई बॉडी शोडी बना के अकड़ता हो जाएगा ना तो भाई उसका वहीं पेशाब निकल जाएगा। तो भोसड़ी के सुन मेरी बात, लड़ने के लिए ना छाती में नहीं गांड में गुदा होना जरूरी है, और गुदे की बात तो तू रहने ही दे क्योंकि तेरे तो घुटनों में नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो तू गांड का उतार के घुटनों में लाया था और वो भी आप मेहनती लोग नालियों की नजर कर बैठे। अगर छाती में गुदा होने से हिम्मत आती ना तो बेटा आज ये पोर्न स्टार नहीं चीफ जस्टिस होती। और इनको भाई पता नहीं किसने बोल दिया कि मस्कुलर लड़के ना लड़कियों को बहुत ही ज्यादा, नहीं मतलब बहुत ही हद से ही ज्यादा पसंद होते हैं, तो इस पे भी सुनो भाई, लड़कियों को ना ह्यूमरस और फिट लोग पसंद होते हैं, खुद भले धीरे धीरे ना सरोज खान में ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ उसकी परवाह नहीं है, ज्यादा मसल्स वाले मनहूस और राक्षस लगते हैं इनको, ऐसा भाई मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लड़कियां खुद बोल रही हैं। Like the bodybuilder type. I think that a gentleman with an average body. What about just a fit? A guy who's fit. Just. I guess so, yeah. A guy who's just fit. I mean, yeah. He's gonna be a little. He's gonna have a little extra bonus points for sure. Exactly. So. बोलने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी बोल देता हूँ कि भाई ये मजाक था, क्योंकि अगर कभी नहीं मतलब कभी किसी ज्यादा ही अकलमंद या जहीन इंसान ने मेरी वीडियो देख ली तो उसे आसानी से समझ आ जाए, तो अब वक्त आ चुका है। मैं आपसे विदा लेता हूं और आज्ञा चाहता हूं। और अगर फिर भी किसी को बुरा लगा ना तो यार कान मराऊं। और इंस्टा पे अपनी पसलियों की तस्वीरें लगा के लिखेंगे कि भाई सिक्स पैक एक क्या होता है?